अंबिकापुर में कांग्रेस पार्षद सतीश बारी पर झूठे मामले में फंसाने का आरोप लगा है। दरअसल कुछ दिन पहले पार्षद सतीश बारी के घर पर तोड़फोड़ हुई थी। घटना का एक पक्ष जो सीसीटीवी कैमरों को में कैद हुआ है, उस पर पुलिस ने सुनवाई की है, जबकि पार्षद के भाई और परिवारजनों ने पहले प्रार्थी के घर जाकर मारपीट की थी। कांग्रेसी पार्षद ने अपनी पहुंच का फायदा उठाकर थाने में मामला दर्ज कराया था। अब दूसरे पक्षों की थाने में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब फरियादी एसपी और आईजी कार्यालय में न्याय की गुहार लगा रहा है। मैं एप्लीकेशन देने आया था मारपीट का। पार्षद द्वारा पहले हमारे ऊपर मारपीट किया गया, हमारे ऊपर केस किया गया, हमारा कोई सुनवाई भी नहीं हुआ। और हम लोग इतना चुट लगा, एमएलसी में भी हमारा कुछ नहीं किया रहा गया, ना दवाई हुआ ना कुछ इलाज हुआ। ऊपर से हम लोग को जेल भी भेजा गया, पर इन लोग के ऊपर एक बूंद भी हम लोग का FIR कुछ सुना ही नहीं गया। विवाद क्यों हुआ था? विवाद ये था कि सतीश भैया से मेरा बातचीत वगैरह हो रहा था, थोड़ा सतीश भैया से थोड़ा सा गिलवा सीखा था कि सतीश भैया आप लोग के लिए हम लोग हमेशा खड़े रहते हैं, हर चीज़ में साथ देते हैं, पर आप थोड़ा बहुत नहीं आते हैं भैया, आप एकदम मुँह चोरी करते हैं। तो सतीश भैया बोले यार तुम ये सब फालतू बात मत करो। उसका भाई पीके टाइट था, वहाँ पे मेरे को 4-5 सोपी मार दिया, तो मैं उसमें बीच बचाव में थोड़ा सा धक्का मुक्की किया। तो सतीश भैया बोला कि तू मेरे भाई को कैसे धक्का मुक्का कर रहा है। तो उन लोग पूरा परिवार, माँ बहन वहन सब मेरे पे चढ़ गए, मेरे को मारने लगे। हम लोग आवेदन देने आए थे आईजी साहब को। हमारा जो लड़का है उसके साथ सतीश बारी के साथ जो हुआ था अभी लड़ाई झगड़ा, उसके विषय में हम लोग यहाँ देने आए थे सर को आवेदन। हम लोग न्याय चाहते हैं सर। और सबसे बड़ी बात यह है कि ठीक है, वो अपने आप को जनप्रतिनिधि बोलते हैं, जनप्रतिनिधि का मतलब उनको समझ में आता है क्या? जब खुद जनप्रतिनिधि ही इस टाइप से किसी के यहाँ दंगल लेकर के जाएंगे और किसी के घर में घुस करके मारपीट करेंगे, तो वो प्रतिनिधि कहलाने के लायक नहीं है।